ट्रिक नंबर 10th है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n प्लस a1, सॉरी a प्लस 1 की पावर n प्लस a प्लस 2 की पावर n प्लस a प्लस 3 की पावर n प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n की पावर n का होल पावर 1 अपॉन n हो, या लिमिट n टेंस टू 0 a की पावर 1 अपॉन n प्लस a प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n प्लस a प्लस 2 की पावर 1 अपॉन n प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n की पावर 1 अपॉन n का होल पावर n। ठीक है, तो इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करने जाएंगे तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी gx fx माइनस 1 इस टाइप से आप करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक होगा सीधा, जो बड़ा होगा इसमें से a प्लस 1 a प्लस 2 इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस केस में होता है a प्लस n, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक बार फॉर्म चेक कर लेना है, फॉर्म किस फॉर्म में बन रहा है। ये देखिए इन्फिनिटी की पावर 0 और यहाँ भी आपका कितना है इन्फिनिटी की पावर 0, ये चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर एक्स का होल पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देख लीजिए इन्फिनिटी की पावर 0 इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, जो वाला बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, 4 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर एक्स का होल पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और लिमिट लगी है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 6 की पावर 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ओके,